सवाल आपसे है मेरे, वे लोग जो दुनिया के विभिन्न पदों पर शीर्ष पर बैठे हैं, क्या वो पैदाइशी बुद्धिमान थे, पैदाइशी सफल थे? हां जी नहीं सर, पैदाइशी सफल नहीं थे, बुद्धिमान होने वाले काम किए उन्होंने जिससे बुद्धिमान हुए, सफल होने वाले काम किए जिससे वो सफल। मैं आपको एक नाम बताता हूं, उसका नाम है उस व्यक्ति का, और उसका नाम है हुसैन बोल्ट। 2008 ओलंपिक, 2012 ओलंपिक, 2016 ओलंपिक, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर गोल्ड मेडल है। 12 साल तक ओलंपिक में बादशाहत कायम करना, आप सोच नहीं सकते कितना डेडिकेशन चाहिए। और मैं आपको बता दूं, वो अपनी पूरी जिंदगी में प्रोफेशनली 5 मिनट से ऊपर नहीं दौड़ा। 100 मीटर का रेस 9 सेकंड का होता है, 3 बार दौड़ा होगा तो 30 सेकंड। 200 मीटर का रेट 18-19 सेकंड का होता है, 3 बार दौड़ा होगा तो 1 मिनट। 400 मीटर का रेस 36-35-40 सेकंड का होता होगा, 3 बार दौड़ा होगा तो 1.5 मिनट। टोटल कर ले तो 5 मिनट नहीं बनता, यानी वो परफॉर्म 5 मिनट भी नहीं किया, लेकिन उसके पास इतने पैसे हैं जो आप सोच नहीं सकते। लेकिन उस 5 मिनट की परफॉर्मेंस के पीछे हजारों घंटे की मेहनत थी सर, हजारों घंटे की ट्रेनिंग्स थी। प्रैक्टिस क्या होती है जानते हैं? एक ही काम को बार बार करना। कितनी बार करना जानते हैं? जब तक आने ना लग जाए, जब तक। बड़े बड़े उदाहरण हैं, ऑस्ट्रेलिया इंडिया के मैच में ब्रेड हॉग ने सचिन तेंदुलकर को बोल्ड मार दिया। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, एग्जांपल बड़ा छोटा है, मर्म बड़ा है। एग्जांपल यद्यपि छोटा है, मर्म बहुत बड़ा है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैच में ब्रेड हॉग ने सचिन तेंदुलकर को बोल्ड मारा इन 2007। तेंदुलकर जब लौट के पेवेलियन जाने लगा, ब्रेड हॉग के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था, क्योंकि ब्रेड हॉग अभी नया था, नौसिखिया था 12 साल पहले, और तेंदुलकर का विकेट लेना अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट थी किसी बॉलर के लिए। उसने बोल्ड मारा सचिन तेंदुलकर। मैच खत्म होने के बाद ब्रेड हॉग वो बॉल लेके एज अ सोवेनियर सचिन रमेश तेंदुलकर के पास गया, और उसने तेंदुलकर को बोला, सर आप इस पे ऑटोग्राफ दीजिए, मेरी जिंदगी का बहुत सुनहरा दिन है आज, कि आज मैंने आपको बोल्ड किया है। बड़ी खुशी खुशी में वो बॉल लेके गया एक ऑनर के साथ, और तेंदुलकर ने उसके ऊपर लिखा, ये दिन तेरी जिंदगी में फिर कभी नहीं आएगा, ये दिन तेरी जिंदगी में फिर कभी नहीं आएगा। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब तक ब्रेड हॉग और तेंदुलकर इसके बाद खेले, कम से कम 30-35 एनकाउंटर हुए उनके, टेस्ट मैच में, वनडे में, T20 में, इवन IPL में ब्रेड हॉग तेंदुलकर की विकेट नहीं ले सका था। ब्रेड हॉग तेंदुलकर की विकेट नहीं ले सका। मैं ये कहानी आपको क्यों सुना रहा हूं? मैं आपको कहानी ये इसलिए सुना रहा हूं कि उसने जब बॉल पे लिख दिया होगा ना कि ये क्षण तेरी जिंदगी में फिर नहीं आएगा, ये जाने के बाद वो बियर नहीं पी रहा होगा, पॉपकॉर्न नहीं खा रहा होगा, बर्गर सैंडविच डोसा नहीं खा रहा होगा, एक चीज कर रहा होगा। क्या कॉन्फिडेंस रहा होगा एक लाइन लिखने के बाद, लिख दिया अब उसको प्रूफ करना है, उस जैसा बन जा, उस लाइन को प्रूफ करने लायक बनना है उसको। कितनी प्रैक्टिस करी होगी कि इज्जत खराब ना हो जाए। आज आप लिख दो कि अगले 3 साल में इस बिजनेस से मैं 5 करोड़ कमाऊंगा, और उस लाइन को प्रूफ करने के लिए अपने आप को जला दो। आप लिख दो और फिर उस लाइन को प्रूफ करने के लिए अपने आप को, मैं कहता हूं, जला डालो।